मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। आई सेड दिस इज अनफेयर, आई एम ओनली अटेंडिंग, यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट। इसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते है, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। व्हेन यू आर इन पावर यू हैव टू टेक केयर फॉर ऑल, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज इंसल्टेशन। I will not attend any meeting further. पहली बात तो जब ये विपक्ष बोलता है कि माइक बंद कर दे, उस माइक का कंट्रोल वहाँ पे बैठे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उस व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एकदम से उत्तेजित होकर उस बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई, मुझे लगता है ये आचरण गलत है। इस तरीके से उनका आचरण था, इससे ऐसा लगता है कि विपक्ष की पहले से ही ये सोची समझी एक रणनीति का ये हिस्सा था। स्वागत है आपका डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में। बड़ी खबर सामने आ रही है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उन्हें मीटिंग में बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक बंद कर दिया गया। अब इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा ये गलत आरोप है कि नीति आयोग की बैठक में किसी का माइक बंद कर दिया गया, वहाँ पर माइक का कंट्रोल उस जगह बैठे इंसान का होता है, बाकी किसी का नहीं, तो ये बात बोलना झूठ है। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि जैसे यह विपक्ष की सोची समझी रणनीति थी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ये साजिश की गई थी। जानते हैं बुरी खबर कि किसी का माइक वहां पे बंद कर दिया गया। पहली बात तो जब ये विपक्ष बोलता है कि माइक बंद कर दे, उस माइक का कंट्रोल वहाँ पे बैठे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उस व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में ना ऐसी किसी बैठकों में। ऐसी बैठक में माइक सामने लगा होता है, ऑन ऑफ का स्विच सामने ही होता है, तो ये बात बोलना सरासर झूठ है जब कोई ये बोलता है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। हाँ, हर मुख्यमंत्री को क्योंकि समय की बाध्यता थी, ओपन एंडेड अगर डिस्कशन को रखा जाता तो संभवतः हफ्तों तक ये बैठक ही चलती रहती। ऐसे में हर मुख्यमंत्री से ये विनम्रता पूर्वक आग्रह किया गया था कि अपनी बातों को संक्षेप में एक तय समय सीमा के भीतर रखा जाए। जब वो समय सीमा पूरी हुई, सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर उनको ज़रूर, जैसे तमाम मुख्यमंत्री को दोबारा से नोटिफाई किया गया कि भाई आपका समय समाप्त हो रहा है इस तरीके से, बट उसके बाद जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एकदम से उत्तेजित होकर उस बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई, मुझे लगता है ये आचरण गलत है। अगर आपको अपनी बात को रखना भी है, कोई नाराज़गी भी है, तो आप वहीं पर रखती ना, बोलती कि अभी मुझे और बोलना है, मुझे और कहना है। हम सब वहाँ पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री जी स्वयं उनको सुनना चाहते थे, वित्त मंत्री जी स्वयं वहाँ पे मौजूद थी, वो भी चाहती थी कि भैया क्या बजट को लेकर वो अपनी बातों को रख रही हैं, बट जिस तरीके से उनका आचरण था, इससे ऐसा लगता है कि विपक्ष की पहले से ही ये सोची समझी एक रणनीति का ये हिस्सा था कि वो जाएंगी हंगामा खड़ा करेंगी, और नीति आयोग जिस मकसद के साथ हम लोग वहाँ पर बैठे थे उसके मकसद को डाइवर्ट कर सिर्फ अपनी ओर पूरा ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से ये इस तरीके की कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के साथ चार सीएम ने बैठक को अटेंड नहीं किया, कहा बॉयकॉट कर दिया, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बाकी स्टेट के साथ नाइंसाफी हुई है जिस तरीके से बजट आया है। भाई मेरी समझ के परे है, अगर आपको ऐसा लगता भी है, किसी भी राज्य को अगर ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो यही वो उचित फोरम है ना। नीति आयोग की बैठक ही वो मंच है जहां पर जाकर आप प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी शिकायतों को आप रख सकते थे, इस मंच पर जाकर अपना एतराज आप दर्ज करा सकते थे, अपनी आपत्ति आप दर्ज करा सकते थे। और जो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग के साथ भेदभाव हुआ, पहली बार देश में एक ऐसा बजट एक लंबे समय के बाद देखने को मिला जिसने पिछले 10 सालों में देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का लाभ जनता को पहुंचाने का काम किया। इसमें जहां प्रमुखता से देश के गरीबों का जिक्र किया गया, अन्नदाता का जिक्र किया गया, नारी शक्ति का जिक्र किया गया, युवा शक्ति का,
इसमें जिक्र किया गया। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें प्रमुखता से उनको लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं की और राशि की घोषणा की गई, जो राज्य कहते हैं कि उनके साथ अनदेखी हुई। क्या उनके राज्य में गरीब नहीं है? क्या उनके राज्य में महिलाएं नहीं हैं? क्या उनके राज्य में किसान नहीं हैं? क्या उनके राज्य में गरीब वर्ग से आने वाले युवा हों, महिलाएं हों, किसान हों, क्या ये लोग नहीं हैं? तो सिर्फ राजनीतिक हंगामा करने के लिए उनमें दावे के साथ कहते हैं कि भाई ये लोग पिछले बजट भी निकाल कर दिखाएं कि किस किस राज्य को कितना कितना आवंटन किया गया है। जब सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही थी, यूपीए की सरकार हो या उसके पहले की सरकार हो, कितने राज्यों का जिक्र किया गया। और मुझे ताज्जुब तो सबसे ज्यादा राजद और कांग्रेस पर होता है। क्या राजद को खुशी नहीं होनी चाहिए कि भैया बिहार को एक बड़ी राशि आवंटित की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो, यहाँ पर सड़क को लेकर हो, पुल के निर्माण को लेकर हो। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़, जिसका जिक्र हमेशा मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने किया, उस बाढ़ को लेकर लगभग 11,000 करोड़ की राशि अलग से आवंटित की जाती है, ऊर्जा को लेकर अलग से राशि आवंटित की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर राज्य में अलग से राशि आवंटित की जाती है। तो भैया अगर बिहार जैसा राज्य, जिसके लिए लंबे समय से हम लोग भी मांग करते थे भैया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जब तक नहीं मिलता है, ये मांग भी हम लोग की थी कि बिहार को एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। आज मैं धन्यवाद करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी का, और विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि एक लंबे समय से जो बिहार और बिहारियों की मांग थी, उस मांग को सुना गया है, उस मांग को पूरा किया गया है। अगर इस पर भी अगर राजद और कांग्रेस को अगर एतराज है, तो ये वही लोग हैं जो कतई बिहार का विकास नहीं चाहते हैं।